दिस इज़ असुन यार, आई एम प्रेसिडेंट यूथ रेवोल्यूशन क्लैन और यूएस की आईटी कंपनी का डायरेक्टर भी हूँ। तो ये जो ई रोज़गार स्कीम थी, जिसका बेनिफिशरी हूँ, और ये उसी की बदौलत आज मैं एक यूएसए की आईटी कंपनी है और उसका आज मैं डायरेक्टर हूँ। सर, अभी आपने आईटी की बातें की कुछ, और उसमें से दो तीन चीज़ें मैं भी पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। जी, मुझे आपने मौका दिया इस पे, और मैं चाहता हूँ कि इस पे अगली जी हुकूमत में जी अगर मौका मिलता है तो आप इसको रिकमेंडेशंस में डालें। जी जी बहुत अच्छी बात। दिस इज अ ब्रिज बिटवीन दिस इज अ गैप बिटवीन यूनिवर्सिटीज एंड दिस इंडस्ट्री। अब मैंने 2 महीने पहले हायरिंग करनी थी और 50 बंदों में सिर्फ मुझे 2 बंदे मिले, क्योंकि हमारे पास वो स्किल सेट नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ वो पढ़ा नहीं रही जो कंपनीज़ को चाहिए। आपको एक बिठाना पड़ेगा यूनिवर्सिटीज़ को और कंपनीज़ को, कंपनी से पूछना पड़ेगा कि मार्केट में क्या डिमांड है, ताकि हम इसको कर सकें। हमारा 2.6 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट है और इंडिया की 200 से सर प्लस है। उसकी वजह भी यही है कि उनकी कंपनीज़ और उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बैठती हैं, वो एक बनाती हैं। तो सर, इसमें मैं आपको पूछूंगा, आपका क्या प्लान है उसमें और आपका ये बहुत क्या बहुत अच्छा आपका सवाल है और बिल्कुल आपने ठीक कहा। ई रोज़गार नहीं और भी शोबों में कमोबेश यही सूरत हाल है। अब चक्कर ये है कि जिन बच्चों और बच्चियों को वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए उनकी अपनी जब वो पढ़ाई कर लेते हैं अपना, लेट से किसी ने बीएससी इंजीनियरिंग की है फॉर एग्जांपल, तो उनको किसी इंडस्ट्री में अगर भिजवाया जाए तो वो जो एंटरप्रेन्योर जो है ही इज़ वेरी हेजिटेंट। वो उसको शक पड़ता है ये आएगा तो उसने जाना ही नहीं, पर ये ट्रेनिंग लेके 3 महीने यहीं बैठा रहेगा और ये गवर्नमेंट फिर मुझे ये करेगी वो करेगी। सो दिस लैक ऑफ ट्रस्ट एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि जब तक वर्कशॉप के फ्लोर पे ट्रेनिंग ना हो, वो किताबें उसका इल्म वो जो प्रैक्टिकल शेप कभी नहीं ले पाता। यूनिवर्सिटीज़ का और इंडस्ट्री का कॉमर्स का चोली दामन के साथ है, जब तक कि इसको हम स्ट्रिच नहीं करेंगे ये बात आगे बढ़ेगी नहीं। एंड आई टोटली एग्री विद यू, दिस इज़ वेरी मच इन आर माइंड, पार्ट ऑफ आर मैनिफेस्टो। इंशाल्लाह इसको हम प्रमोट करेंगे। आई एम अक्सा हकीम और मैं आरिफाला से बिलोंग करती हूँ, और मैंने 2013 में दानी स्कूल चिश्तिया में एडमिशन लिया था। वहाँ से मैंने एफएससी की थी ए प्लस ग्रेड के साथ, और उसके बाद मेरा सुपीरियर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ प्राइवेट, और वहाँ से मैंने बीएस किया है मेडिकल लैब टेक्नीशियन में, और अब मैं एज अ टीचर वर्क कर रही हूँ सुपीरियर यूनिवर्सिटी में ही। वेरी गुड, जी सर। माशाल्लाह। लेकिन सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाहती हूँ कि जो लैपटॉप की स्कीम थी, वो लैपटॉप प्रोवाइड किए गए थे ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। बिल्कुल तो अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लिया है तो वो अफोर्ड कर सकता है, इट्स नॉट कंपलसरी ही और शी कैन अफोर्ड। हो सकता है कुछ वजूहत ऐसे बने हों कि उसको एडमिशन लेना पड़ा, लाइक स्कॉलरशिप का रीज़न हो सकता है कि उसे उसी ईयर में एडमिशन लेना था, अदरवाइज उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलता। सही। तो लेकिन जब अभी लैपटॉप दिए गए हैं तो वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के बच्चों को ही दिए गए हैं, जबकि प्राइवेट में पढ़ने वाले बच्चे के भी अगर मार्क्स उतने हैं, उतना मेरिट उसका है, तो उसको प्रोवाइड नहीं किया गया। ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। पहली बात तो ये है कि आप, मुझे बड़ी खुशी है कि आप दानिश स्कूल से आपने तालीम हासिल की। मैं चाहूँगा अगर आप ये भी ज़रा बेटी बताएं कि वहाँ पर जो सहूलतें जो मुयस्सर थीं वो कैसी थीं। सर, दानिश स्कूल में बहुत अच्छी सहूलतें मतलब दी गई हैं, बहुत कोऑपरेटिव था सारा कुछ, और सबसे मेन बात यह है कि मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि मैं यहाँ यूनिवर्सिटी तक आ सकती। सही मेरे फादर जो हैं वो फार्मर हैं, जी, सही तो बेसिकली वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ये आपकी वजह से ही है कि मैं माशाल्लाह अब इतनी सक्सेसफुल पर्सन हूँ। मेरे ख्याल में मेरे और बहन भाइयों में से कोई भी इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितनी मैं हूँ, इसके लिए मैं आपकी बहुत थैंकफुल हूँ। तो और वैसे भी वहाँ पे जो हमें इन्वायरमेंट दिया गया था दानी स्कूल में, वो बहुत अच्छा था, फ्रेंडली था, टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, और बाकी हर लिहाज से हमें स्पीचेस करवाई जाती थी ताकि हम इस काबिल हो सके कि हम बात कर सकें। अगर मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ तो बेसिकली मैं इसी वजह से ही हूँ। थैंक यू।
ये आपने अपने सवाल का आधा जवाब खुद दे दिया है। मिसाल के तौर पर बेटी, आपने कहा कि आपकी जो फाइनेंशियल मजबूत नहीं थी और आप आम हालात में तालीम अफोर्ड नहीं कर सकती थी बिकॉज आपके वालदैन के पास वो वसाइल नहीं थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह दानिश स्कूल में आपको फ्री एजुकेशन मिली, ऑलमोस्ट बोर्डिंग एंड लॉजिंग हर चीज़। अब अगला जो सवाल आपने किया वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि लैपटॉप जो हैं ये मेरिट बेस्ड, इसके दो क्राइटेरिया हैं, एक मेरिट यानी हाई परफॉर्मेंस और दूसरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड। अब जो ग्रामर स्कूल के या प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे और बच्चियां हैं उनकी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, उन बच्चों के वालदैन की जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो बड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, वरना इतनी बड़ी फीसें किस तरह अदा कर सकते हैं। तो यही वो क्राइटेरिया है, यही वो दूसरा पिलर है। एक का हो गया हाई अचीवर जिसने मेहनत की, लालटेन के नीचे जिसने पढ़ा और ए ग्रेड्स लिए, और दूसरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड। तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड में हम हर एक से तो नहीं पूछ सकते कि भाई आप की फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है। लिहाजा जो पब्लिक स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट के स्कूल जो हैं, वहाँ पर मेजॉरिटी वो बच्चे आते हैं जिनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो इतनी साउंड नहीं होती। ये दो पिलर्स हैं। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है और मैं मियांवाली का रहने वाला हूँ। मेरे वालिद साहब का नाम नज़ीर अहमद है जो कि एक मज़दूर हैं। सर, मैं आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मुझे इस बात पे फ़ख्र भी है कि मैं आपके दो मेगा वो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें से पंजाब दान स्कूल, मैंने पंजाब दान स्कूल मियांवाली से जी सर, मियांवाली हरनौली वाला सर, और दूसरा आपका जो पीएफ है पंजाब एजुकेशन एंडमेंट फंड, उनकी बदौलत आज मैं एक प्रोफेशनल इंजीनियर के तौर पर पाकिस्तान में फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा सर, जैसा कि आपकी पहले जो पार्टी है सर, इसने एक टेक एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स की थी और टेक्नोलॉजी को बूस्टअप मिला था सर, लेकिन सर आज मैं देख रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी है वो डे बाई डे डीमोरलाइज होती जा रही है सर। तो मेरा आपसे यही सवाल है कि एज अ प्रोफेशनल इंजीनियर, व्हाट इज़ योर विजन अकॉर्डिंग टू द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी एंड द स्कोप ऑफ इंजीनियर्स जॉब्स सो दैट इंजीनियर्स कैन कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। गुजारिश ये है कि जो आपने बात की बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया है, यही मैंने अपने इब्तदाइया में बात की थी कि मसलन ये आप हैं आप एक पर्टिकुलर फील्ड में आप पढ़ जाते हैं, बड़े काबिल बन जाए, तो आगे ज़रूरी नहीं कि आपने जॉब करनी है, कहीं जॉब मिलेगी कहीं जॉब नहीं मिलेगी। ये हुकूमत वक्त का काम है कि ऐसे पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, ऐसे पॉलिसी प्रोग्राम्स वो लेके आए जिससे कि नौजवान नस्ल जो तालीम हासिल कर चुकी है, उन्होंने अंडरग्रेड किया है, मास्टर्स किया है, आप जिस तरह इंजीनियर बन गए हैं, उनको फिर डिग्री लेके इंतज़ार न करना पड़े, या वो किसी कहीं उनको अच्छा उनकी तालीम के मुताबिक एक अच्छा जॉब मिल जाए, या फिर वो ख़ुद सेल्फ एम्प्लॉयड हों, या दो चार अपना लोग रख कर एक छोटा कॉटेज नीचे लगाएं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ये है वो वे फॉरवर्ड, ये है वो विजन जिससे कि दुनिया में हर जगह तरक्की और खुशहाली का इनकलाब आया। तो मैं समझता हूँ जो आपने बात की है वो बड़ी पर्टिनेंट है कि हमें इस हवाले से, हमें स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव हम पैकेज लेके आएंगे, ये हमारा ये मैनिफेस्टो का हिस्सा है। सर, मेरा नाम आमना उमर है सर, आई एम कंप्यूटर इंजीनियर फ्रॉम यूईटी लाहौर, आई हैव टेकन अ ऑनर डिग्री इन एमएस इंजीनियरिंग, और उसके बाद सर मैं जो आपने ई लाइब्रेरी का एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, आई हैव बीन बेनिफिशियरी ऑफ दैट, मैं ई लाइब्रेरी में पढ़ती रही हूँ और देन आई सिक्योर्ड अ जॉब और मैं एज अ कस्टम इंस्पेक्टर पाकिस्तान कस्टम में सर्व कर रही हूँ। माशाल्लाह। और सर ये तो इंट्रोडक्शन था, इसके बाद भी अभी ऑब्वियसली नॉलेज की तो कोई एंडिंग नहीं है, और जो
लाइब्रेरीज हैं वो हमें एक कल्चर ऑफ नॉलेज और एजुकेशन प्रमोट करती हैं. इस इनिशिएटिव के लिए मैं आपकी बहुत थैंकफुल हूँ. और फिर इसके लिए सर मैं एक और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ कि बीइंग अ जॉब जॉबियन नाउ, अब हमें चाहिए होता है कि हम जॉब के बाद भी ज़्यादा टाइम पढ़ सकें. अगर मैं आगे परस्यू करना चाहती हूँ अपनी एजुकेशन, तो हमारी जो लाइब्रेरीज की टाइमिंग्स हैं, जो खासतौर पर गवर्नमेंट लाइब्रेरीज होती हैं, उनकी टाइमिंग्स कम होती हैं. तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं उसमें जो एजुकेशन है वो 24/7 अवेलेबल होनी चाहिए. और सर दूसरी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, तो सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं. सर सीएसएस की तैयारी में एक ये रिक्वेस्ट थी कि जो सीएसएस हम करते हैं, इफ़ आई हैव क्वालिफाइड इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट, मेरी रिटर्न मेरा पास है, लेकिन एलोकेशन के बाद मेरे सीट कम होने की वजह से मेरी एलोकेशन नहीं हो सकी. कि अगर कोई स्टूडेंट ने इतनी ज़्यादा मेहनत की हुई है और वो यहाँ तक पहुँचा है सीट्स की कमी की वजह से, अगर वो ऑन मेरिट होने के बावजूद वहाँ एडजस्ट नहीं हो सका, तो उसको किसी उससे पैरेलल जॉब में एडजस्ट किया जा सके. तो इस तरह की कोई पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें जो ऑन मेरिट जो है यूथ को इंक्लूड करें. तो सर एक ये कि इंक्लूसिव पॉलिसीज होनी चाहिए जिसमें यूथ को इंक्लूड किया जाए. इफ आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ सिविल सर्विस, तो मुझे ये कि मैं उस पॉलिसी मेकिंग की इम्प्लीमेंटेशन में कैसे पार्ट ले सकती हूँ. या अदरवाइज इफ यू आर लीडिंग अ पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी में आपने यूथ के लिए किस तरह इंक्लूसिविटी को इंश्योर किया है. बड़े 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 अच्छे सवाल किए जी इन्होंने. वेरी गुड क्वेश्चन. पहली बात तो यह है कि ई लाइब्रेरीज का जाल पूरे पाकिस्तान में फैला देना चाहिए. अल्हम्दुलिल्लाह, अगेन आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, लेकिन इस विजन को हमने पंजाब में लॉन्च किया और मेरा ये प्लान ये था कि हर पार्क में वहाँ पर एक ई लाइब्रेरी बने, वहाँ पर खाली वॉक के लोग ना हों और क्रिकेट या हॉकी ना खेलें, वहाँ पर ई लाइब्रेरी हो, वहाँ पर जाके बच्चे नौजवान बच्चियाँ बुज़ुर्ग बैठें और पढ़ें. और ये हमने स्टार्ट किया एंड आई मस्ट एडमिट उसमें हमें कुछ हर्डल्स आई, लेकिन आज भी वो ई लाइब्रेरीज फंक्शनल हैं और काम करें. लेकिन जिस तरीके से उसको एक्सपेंड करना चाहिए था, उसको पूरे मुल्क में फैला देना चाहिए था, वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ. मैं किसी हुकूमत को दोष नहीं देता, वी आर नॉट हेयर इन सेटलिंग पोलिटिकल स्कोर्स. मैं सिर्फ यहाँ पर अपनी बात कर रहा हूँ और जो मुल्क के लिए और इस नौजवान नस्ल के लिए हमारी सोच है, मैं उस हवाले से बात यहाँ करना चाहता हूँ. तो मेरा ख्याल है कि ई लाइब्रेरीज पूरे मुल्क में तमाम बागों में तमाम पार्क्स में ये वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए. उसके बगैर कोई पार्क जो है वो डेवलप नहीं होना चाहिए. तो हमें इन चीज़ों को हमें ठीक करना है. और आपने ये जो सीटों के हवाले से बात की, एक आपकी अच्छी आपकी सजेशन है, इसको जरूर अगर अल्लाह ने मौका दिया उसको देखेंगे इंशाल्लाह जी. मेरा नाम मानूर मुबारक है, मैं बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट सुराब से हूँ. बलूचिस्तान से आए हैं आप, इसको वेलकम करें. में सर आपने जो इनिशिएटिव लिया था बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए, मैं उसी का बेनिफिशियरी हूँ. मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपने हमें प्रोवाइड की है. तो सर देखा जाए जैसे पंजाब में एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है लोगों को एज़ कम्पेयर टू बलूचिस्तान, और यहाँ पे लोग दानिश जैसे बोर्डिंग स्कूल के बेनिफिशरीज हैं. तो सर जैसे मैं यहाँ आई हूँ, जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है वहाँ के लोग इससे डिप्राइव्ड हैं, उन्हें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. सर इफ़ यू गेट अ चांस, अगर आपको मौका मिले तो आपकी स्टेप्स क्या होंगे बलूचिस्तान के एजुकेशन के हवाले से. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. बड़ी खुशी हुई कि आप दानिश स्कूल की आप स्टूडेंट हैं. मैं बता देता हूं कि जो हमारे जो ये दानिश स्कूल हैं उनमें हमने कोटा रखा था कि बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स का इतना कोटा होगा, सिंध के स्टूडेंट्स का इतना कोटा होगा, केपी के स्टूडेंट्स का इतना कोटा होगा. हमने बाकायदा वहाँ पर कोटा रखा था. पहली बात मैं ये बताना चाहूँ, बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सूबा है, जुग्राफिया लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, नंबर एक. नंबर दो,
वहाँ पर बड़े गयूर, बलोच, पठान और हमारे जो ब्रावी और दूसरी वहाँ पर ट्राइब्स वहाँ पर रहते हैं, सेटलर्स भी हैं, और बलूचिस्तान की पाकिस्तान के इलाक के हवाले से बहुत बलूचिस्तान की कंट्रीब्यूशन है, और हम उसको हम हमेशा बड़ी कदर की नज़र से देखते हैं। बलूचिस्तान के मसाइल और उनको हल करना ये पाकिस्तान की हर गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है, सूबे की हुकूमत के साथ मिलकर उनको, चाहे वो तालीम के मसाइल हैं, चाहे वो हेल्थ के हैं, अद्वियात के हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के हैं, उनको मिलकर हल करना ये हमारा सबका मिली सियासी फ़र्ज़ है। वसाइल की कमी नहीं है, इट्स द विल टू डू, टू इम्प्लीमेंट एंड टू क्रिएट अ वंडरफुल वंडरफुल एनवायरनमेंट। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये जो आपने बात की है, मिनहजुल कौम, हमें ये फैसला करना होगा कि हमें अपने पाँव पे खड़ा होना है तो वसाइल पैदा करने होंगे, उसके लिए मेहनत करनी होगी और एक विजन बनाकर उसको लेके चलेंगे इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ। अगर डिसयूनिटी होगी, अगर इख्तलाफ होगा और पोलराइजेशन होगी, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। That's my assumption to you. Inshallah, मेरा ख्याल है ये इंशाल्लाह जरूर होगा। मेरा नाम अरशद अदीम है, मेरा तलक पाकिस्तान पंजाब से है, तहसील मियाँ जनवा के गाँव है 115L। तो मैंने स्पोर्ट्स का आगाज़ किया 2012 से, तो 2012 में आपने यूथ फेस्टिवल करवाया था, तो वहाँ से मैंने आगाज़ किया, तो मैंने गेम का स्टार्ट किया अपना जैवलिन थ्रो एथलेटिक्स में। तो मेरे ख्याल में अगर इस तरह के यूथ फेस्टिवल अगर हमारे पाकिस्तान में हों तो हमारी स्पोर्ट्स जो है वो बहुत आगे जा सकती है। अगर देखा जाए तो मेरी जो अचीवमेंट है, 2015 में मैंने वापडा ज्वाइन की, तो वहाँ से मेरा नेशनल का आगाज़ स्टार्ट हुआ, तो 2015 से 23 तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान का चैम्पियन हुआ, और मैंने 9th दफ़ा जो है वो पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो 2015 से लेकर 23 तक मेरे पास 9th मेडल्स हैं इंटरनेशनल, जिसमें मैंने 4th ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और 4th जो मैंने गोल्ड जीते हैं, जो मैंने गोल्ड जीते हैं, जो मैंने गोल्ड जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उस गेम का मेरा रिकॉर्ड भी है, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स है, वर्ल्ड इस्लामी गेम्स है, और उसके साथ साउथ एशियन गेम्स है, और इमाम रजा कप हुआ है, वो भी मेरा रिकॉर्ड है। और सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है, अभी हाल ही में 4 माह पहले वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप हुई थी हंगरी बुडापेस्ट में, तो ये पाकिस्तान की मैंने तारीख रकम की है कि मैंने वर्ल्ड में मेडल जीता है। और उसके साथ साथ मैंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए भी डायरेक्ट क्वालिफाई किया था। तो मेरी रिक्वेस्ट सर आपसे ये है कि जैसे मैंने छोटे से गांव से स्पोर्ट्स का गाँव स्टार्ट किया, तो वहाँ पे 1.5 साल पहले अनाउंसमेंट की थी स्टेडियम की, ग्राउंड आपको उधर बना के देंगे, तो उस पर वर्क तो सारा हो चुका है, अभी फ़ंड की ज़रूरत है। अगर वो फ़ंड अगर दे दें तो ग्राउंड और स्टेडियम बन जाए, ताकि हमारी जितनी भी यूथ है, नौजवान है, उनको मैं ट्रेनिंग भी दे सकूं, और ख़ुद भी जब मैं घर जाता हूं तो मैं ख़ुद भी जाके ट्रेनिंग वहां पे कर सकूं। तशरीफ रखें आप। स्पोर्ट्स किसी भी सोसाइटी के लिए एक जुज़्वे लायनफक है। एक अगर कोई कौम सोसाइटी हेल्दी तभी होती है कि वहां पर वहां के नौजवान नस्ल, वहां पर नौजवान बच्चे बच्चियाँ वो हेल्दी हों, उनको अच्छी खुराक मिले, उनको खेल कूद के मौके मिलें, और फिर वो अपना टैलेंट जो है, टैलेंट वो उसमें निखार आए। मियां नवाज शरीफ के दौर में हमने यहाँ पर, मुझे अच्छी तरह याद है कि वो ज़मीनें जहाँ पर कब्ज़ा हुआ था उनको खाली करा के वहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड हमने बनाए, वहाँ पर हॉकी ग्राउंड बनाए, और इस तरह यहाँ पर पूरे जाल बिछाया पंजाब में अपना जिमनेजियम्स का, ताकि मोहल्लों में बच्चों और बच्चियों के लिए अलहदा, बच्चों के लिए अलहदा हमने प्लान बनाया। वो सब जब हुकूमत ख़त्म हुई, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, अरबों रुपए लगे हुए अधूरे हैं,
ان میں کچھ تھوڑی سی اماؤنٹ لگانی ہے، مکمل کرنا ہے. بہرحال یہ انشاءاللہ ہوگا. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اس قوم کا کہ پچھلی حکومت کا کوئی منصوبہ اچھا ہے اس کو بند کر دو جی، ان کا نام چلے گا. یہ اس کے نام کی یا میرے نام کی بات نہیں، یہ پاکستان کے نام کی بات ہے، پاکستان کی عزت کی بات ہے، پاکستان کی ترقی کی بات ہے. تو اس لیے کوئی بھی حکومت ہو وہ اچھا کام کرتی ہے، اس کو بڑی خوشی سے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو سپورٹس میں ہم بڑے انوویٹو ہم ایک پلان لے کے آئیں گے، وہاں پر ہم اپنے بچوں کو ان کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو ہون کرنے کے لیے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ باقاعدہ ایک کاؤنسل بنائیں گے، اور اس کاؤنسل کے ذریعے پورے پنجاب میں چاہے وہ کرکٹ ہے، چاہے وہ ہاکی ہے، چاہے وہ فٹ بال ہے، چاہے وہ بیس بال ہے، چاہے وہ بیڈمنٹن ہے، اسکواش ہے، جو بھی سوئمرز ہیں، جو بھی ہے ویٹ لفٹرز ہیں، ایتھلیٹس ہیں، ان سب کو انشاءاللہ ہم بہت ایک فوکسڈ اپروچ کے ساتھ ان کو ہم ٹیلنٹ ہنٹ کریں گے، ان کے لیے اکیڈمیز بنائیں گے، ان کے لیے ہم ٹرینرز لے کے آئیں گے. I'm Maha Jameel. I'm co-chair of Youth Revolution Clan. میں آپ کے یوتھ انیشیٹو پروگرام کی بینیفیشری ہوں، جس کے تھرو آئی ہیو ریپرزینٹ پازیٹیو امیج آف پاکستان ان مور دین 12 کنٹریز. ماشاءاللہ. سر میرا آپ سے کوشچن ہے اباؤٹ کلائمیٹ چینج اینڈ اربن پلاننگ، کہ جس طرح کہ اگر ہم لاہور کے رنگ روڈ سے جاتے ہیں تو جتنا بھی گرین ایریا ہے وہ سب کٹ ڈاؤن ہو کر اس کے اوپر انفراسٹرکچر جو ہے وہ بلڈ کیا جا رہا ہے، اور اس سے اسموک بھی ڈیفینیٹلی اسموک بھی ہو رہی ہے، اور ٹریز بالکل کٹ ڈاؤن کیے جا رہے ہیں. تو جیسے کہ ڈینگی کو اوور کم کرنے کے لیے آپ کی بہترین اگزامپل ہے، تو اگر آپ کو چانس ملتا ہے نیکسٹ گورنمنٹ میں، تو واٹ ول بی دا پالیسی فار دا اربن پلاننگ اینڈ اسموک؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، تھینک یو ویری مچ، ویری ویری پرٹنٹ کوسچن. تشریف رکھے. میں سمجھتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج ہیز بیکم اے ویری اسکیری چیلنج، اور ناؤ وی آر سیٹنگ ان دا منتھ آف جنوری، کوئی نام کی بارش نہیں ہوئی، پہاڑوں پر بھی، یہاں پر بھی، میدانی علاقوں میں بھی، اینڈ دس از ویری ویری اسکیری سچویشن. اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر 2022 میں جو شدید سیلاب آئے تھے، دیٹ واز اگین ٹو دا فورس آف کلائمیٹ چینج. تو کلائمیٹ چینج ایک نیا ایڈیشنل چیلنج سامنے آ کے ابھرا ہے، اینڈ دیٹ ریکوائرز ہیوج فائنینشیل مسل کہ ہم اپنے زراعت کو اس کو ہم شکل دیں تاکہ کلائمیٹ چینج کے جو چیلنجز ہیں اس کو میٹ کر سکے، اینڈ سو آن سو فورتھ. دوسرا جو آپ نے اربن پلاننگ کی بات کی ہے، دل دکھتا ہے کہ انفارچونیٹلی میں آپ کو یہ بالکل بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو اس وقت ہم جو زمینوں کو براؤن کر رہے ہیں، اور یہ جو ہماری پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا ہے کہ بڑی زرخیز زمین ہے، پانی ہے، ہوا ہے، اور ہم فصل حاصل کرتے ہیں، 25 کروڑ عوام کا پیٹ پالتا ہے یہ زمین، یہ ہاری، یہ کسان، اور اس زمین کو ہم براؤن کر رہے ہیں، اور وہاں پر ہم بجائے ہائی رائز بلڈنگس کے ہم اس کو بنا رہے ہیں، ویلاز بنا رہے ہیں، اور کیا کچھ بنا رہے ہیں. دس از اسپیلنگ اے ڈیزاسٹر. تو یہ بالکل، اور ہمیں اس اربن پلاننگ کو ریویو کرنا ہوگا، اور اپنی زمین کو بچانا ہوگا. اس کو ہم ہینڈز آن اس کو لیں گے، اور اس کا ہم انشاءاللہ ایک بڑا اچھا ہم قوم کے لیے سلوشن لے کے آئیں گے انشاءاللہ. میرا نام ڈاکٹر سعدیہ سلار ہے، آئی ایم ریپرزینٹنگ خواجہ سرا سوسائٹی. اٹ از اے کمیونٹی لیڈ آرگنائزیشن رن بائی مس مانور چودھری، جو ہم ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی ویلفیئر اور رائٹس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور میں لائک مشکور ہوں میرا ادارہ بھی اور ہم لوگ بھی کہ سائرہ اپا نے ہمیں موقع دیا کہ میں آج آپ سے بات کر پا رہی ہوں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جی کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی ایک ونریبل اور نگلیکٹڈ کمیونٹی ہے. ہمارے لیے جو انیشیٹیوز لیے جاتے ہیں نا، ایک تو وہ سسٹینیبل نہیں ہوتے، دوسرا یہ کہ وہ انکلوژن کے بجائے سیگریگیشن پیدا کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ آئی ڈی کارڈز ہوں یا چاہے وہ ٹرانسجینڈر اسکولس ہوں. میرا سوال آپ سے یہ کہ جو آپ کی ایگزسٹنگ انیشیٹیوز ہیں، اور انشاءاللہ جو آپ ٹرانسجینڈر کمیونٹی فوکسڈ انیشیٹیوز لوگے،
उसमें आप सस्टेनेबिलिटी को और इंक्लूजन को किस तरह प्लानिंग मतलब और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज में इंश्योर करेंगे, क्योंकि बिकॉज वी रियली वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट विद द इकॉनमी सर. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. आप दिलचस्प रखें. मुझे खुशी हुई कि एक बहुत पढ़े लिखे ट्रांसजेंडर से यहाँ पर मुलाकात हुई और आपने बड़ी एक सेंसिबल बात की है. इट शुड बी इंक्लूसिव एंड नॉट एक्सक्लूसिव. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आपकी जो कम्युनिटी है उसको एक इज्जत के साथ वकार के साथ रहने का उतना ही हक है जितना कि यहाँ पर बैठे हुए तमाम बाकी जो यहाँ पर पाकिस्तानी बच्चे और बेटियाँ बैठे हैं, और उतना ही हक है जितना कि पाकिस्तान के अंदर किसी और कम्युनिटी को हक है. तो आई वॉन्ट टू अश्योर यू कि आपकी जो प्रोटेक्शन के लिए आपकी जो कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए उनको प्रोडक्टिव चैनल्स में उनको चैनलाइज करने के लिए बिल्कुल हमने माजी में भी मियां नवाज शरीफ साहब ने ट्रांसजेंडर हों, हिंदू कम्युनिटी हो, मिनोरिटीज़ हों, उन्होंने हमेशा उनके लिए बहुत आगे बढ़ कर बतौर एक अजीम पाकिस्तानी लीडर के उन्होंने हमेशा उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया की. एंड आई वॉन्ट टू अश्योर यू कि इंशाल्लाह आपका जो आपकी डिमांड जो है, आपके जो कंसर्न जो हैं, उनको इंशाल्लाह हम पूरी तरह एड्रेस करेंगे एंड सो दैट यू आर एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट इन नेशन बिल्डिंग एफर्ट्स अलॉन्ग विद ऑल अदर पाकिस्तानीज. नाम मेरा सर मलिक उसामा हामिद है और मेरा शरकपुर शरीफ से ताल्लुक़ है. 2016 में सर आप ही के एक प्रोजेक्ट चाइनीज़ लैंग्वेज स्कॉलरशिप के तहत मैं चाइना गया और वहाँ पे तालीम हासिल की. हम टोटल 500 स्टूडेंट गए थे. जब पाकिस्तान हम वापस लौटे तो हमें भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि हम यहाँ पे पाकिस्तान वापस आके हम अपने पाकिस्तान के डिफरेंट इदारों में अब चाइना और पाकिस्तान के जो बायलैटरल रिलेशन हैं, वैसे भी जो रिलेशन उसमें एज ए ब्रिज काम करेंगे. लेकिन जैसे ही हम पाकिस्तान आए यहाँ पर मैनेजमेंट चेंज हो गई थी. अब उनकी वजह से ना के न्यू प्रोजेक्ट्स और स्टार्ट होते, जो कि इवन प्रोजेक्ट्स चल भी रहे थे वो भी तखीर का शिकार हो गए. अगर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको मौका दे 2024 में इंशाल्लाह ताला, अगर दोबारा आपकी पीएलएमएन की हुकूमत आती है तो आप ऐसी क्या अपने फ्यूचर इनिशिएटिव प्रोग्राम्स में